नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। सुबह की इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें होती हैं जो अभ्यर्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें सही और सटीक सबसे पहले, तो आइए आज की ताज़ा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर रेलवे भर्ती परीक्षाओं को लेकर है। RRB NTPC और RRC ग्रुप D भर्ती परीक्षा के लिए नए एजेंसी का चयन जल्द। रेलवे भर्ती बोर्ड की NTPC और RRC ग्रुप D भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए जल्द ही नए एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा, जिस पर बोर्ड अपना कार्य बहुत तेज गति से कर रहा है। बोर्ड ने यह फैसला जूनियर इंजीनियर पेपर लीक मामले के बाद लिया है। RRB की होने वाली आगामी परीक्षा चाहे RRB NTPC हो चाहे RRC ग्रुप D हो, बोर्ड इन परीक्षाओं का आयोजन 15 भाषाओं में कराएगा। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में RRB NTPC और RRC ग्रुप D भर्ती परीक्षा का आयोजन कराएगा, ऐसी संभावना ज़्यादा है। परीक्षा में देरी का मात्र एक कारण है कि सही परीक्षा एजेंसी का चयन अभी नहीं हो पाया है, जिससे परीक्षा में देरी हो रही है। जल्द ही नई एजेंसी का चयन होने के बाद बोर्ड परीक्षा तिथि के संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी करेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें लिखा गया है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में NTPC और ग्रुप D भर्ती परीक्षा के संबंध में कि परीक्षा का आयोजन जो है कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ग्रुप D की परीक्षा NTPC भर्ती परीक्षा से पहले होगी, तो 15 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच इसकी परीक्षा शुरू हो सकती है, अर्थात ग्रुप D की परीक्षा शुरू हो सकती है, और NTPC की परीक्षा दिसंबर या जनवरी में आयोजित की जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, अगर आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तो आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज की दूसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक PCA 2019 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसमें बताया है कि 15 दिसंबर 2019 को PCA 2019 के प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी परेशान है, आखिरकार नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, क्या परीक्षा तिथि में कोई परिवर्तन होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 15 दिसंबर 2019 को ही आपकी परीक्षा होगी। नोटिफिकेशन के संबंध में जहां तक रही बात, तो 4 अक्टूबर 2019 से पहले PCA 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 4 अक्टूबर 2019 के पहले PCS 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप 4 अक्टूबर 2019 का इंतज़ार करें, उससे पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और परीक्षा तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा तिथि है 15 दिसंबर 2019 वही रहेगी। आज की तीसरी ताज़ा खबर 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी अपने ओमार की स्कैन कॉपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को नहीं दिया जा रहा है। जबकि अभ्यर्थियों ने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 2,000 रुपये परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में जमा करवाए थे और अनुरोध भी किए थे, और कई बार अनुरोध कर चुके तब भी उन्हें स्कैन कॉपी नहीं दी जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या क्या मामला सामने आया था, ओमार जलाने का मामला, ओमार बदलने का मामला और मूल्यांकन कार्य में गलती का मामला, और पुनर्मूल्यांकन जब हुआ तो उसमें बहुत से अभ्यर्थी पास हुए, लगभग 4-5 हज़ार के करीब अभ्यर्थी दोबारा पास हो गए। इसका क्या मतलब है कि भ्रष्टाचार 68,500 शिक्षक भर्ती में जमकर हुआ था। आज की चौथी ताज़ा खबर सेना भर्ती को लेकर है। बरेली में सेना भर्ती का आयोजन 22 और 23 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा। बरेली के जाट रेजिमेंटल सेंटर में यूपी के युवाओं के लिए 22 और 23 अक्टूबर 2019 को सेना भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के दौरान सैनिक जनरल ड्यूटी, लिपिक, ड्रिफ्टमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में शामिल होने के लिए युवाओं को अपने सभी दस्तावेज के साथ सुबह 4 बजे रैली सेंटर पर पहुँचना होगा। जो अभ्यर्थी सुबह 8 बजे पहुँचेंगे उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। आप सभी युवा अपने निर्धारित समय पर रैली भर्ती स्थल पर पहुँचें। जो युवा जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं उनके शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और 45% से कम प्राप्त नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जितने भी स्नातक स्तर के युवा हैं उन्हें मार्कशीट के कुल अंक 50% से कम नहीं होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। युवाओं के पास सुनहरा अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाएँ। तो आप सभी 22 और 23 अक्टूबर 2019 को
सेना भर्ती रैली में जरूर जाएं, आपके पास सुनहरा मौका है, इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा और जो मौका सामने आए उसे आप मत गवाइए। इसलिए 22 और 23 अक्टूबर 2019 को सेना भर्ती में जरूर शामिल हों, हो सकता है कि आपकी किस्मत चमक जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए आप इस भर्ती को मत छोड़िएगा। आज की पांचवी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। आयोग द्वारा आबकारी सिपाही भर्ती 2016 का परिणाम जारी न किए जाने के कारण अभ्यर्थी खफा हैं, जिसके लिए आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों द्वारा 24 सितंबर 2019 को आयोग पर विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। आबकारी सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है आयोग जानबूझकर परिणाम को घोषित नहीं कर रहा है, जबकि आबकारी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने भर्ती को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में बताया था कि परीक्षा परिणाम को अगस्त माह में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आयोग रोज रोज एक नया बहाना ढूंढता है। अब आयोग का कहना है कि अभी तक आबकारी सिपाही भर्ती 2016 में पुलिस की आख्या प्राप्त नहीं हुई है, जब आख्या प्राप्त होगी तब परिणाम को घोषित किया जाएगा, जिसके कारण अभ्यर्थी 24 सितंबर 2019 को आयोग पर विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं।